इंग्लैंड के खिलाफ रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शानदार 90 रन बनाकर फैंस का दिल जीत लिया, क्योंकि ध्रुव जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो भारत का स्कोर 5 विकेट पर 161 रन था। उन्होंने छोटी छोटी साझेदारियां कर टीम इंडिया को 307 रन के स्कोर तक पहुंचाया और इंग्लैंड को बड़ी बढ़त लेने से रोक दिया। उनकी इस पारी को देखकर भारत के दो पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और अनिल कुंबले को दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई और इन दोनों ने जमकर जुरेल की तारीफ की। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं ध्रुव जुरेल के बारे में, जिनको अगला धोनी कहा जा रहा है। ध्रुव जुरेल एक भारतीय क्रिकेटर है जो घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। वो दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप में ध्रुव भारतीय टीम के उप कप्तान थे। वह जब अंडर 19 में विकेट कीपिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से सभी देखने वाले को MS धोनी की याद दिला दी थी। जुरेल ने 15 फरवरी 2024 को राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में डेब्यू किया था। ध्रुव जुरेल का जन्म 21 जनवरी 2001 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। उनके पिता नेमचंद जुरेल भारतीय सेना में थे और 1999 के कारगिल युद्ध में सेवा की थी। उनकी माँ रजनी जुरेल एक गृहिणी है। ध्रुव जुरेल की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है नेहरू जुरेल, जो हमेशा उनको क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करती थी, जबकि दूसरी तरफ उनके पिता चाहते थे कि ध्रुव एक आर्मी ऑफिसर बने। ध्रुव ने पिता के विरुद्ध क्रिकेट को अपने कैरियर के रूप में चुना। ध्रुव जुरेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आगरा से प्राप्त की है। वे आगरा के आर्मी स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट पर ही पूरा ध्यान दिया। ध्रुव जुरेल बचपन में अपने पिता की तरह आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन जब वह 10 साल के थे तब उन्होंने आर्मी कैंप में कुछ लोगों को पहली बार क्रिकेट खेलते हुए देखा। इसके बाद उनकी रुचि क्रिकेट में बढ़ने लगी और उन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना देखा। उन्होंने अपने स्कूल में एक कैंप के दौरान क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वह स्कूल में सिर्फ 12 साल की उम्र से अच्छे शॉट लगाने लगे थे। हालांकि ध्रुव ने इस दौरान अपने पिता से झूठ बोला था कि वह स्कूल में सिर्फ तैराकी सीख रहे हैं, लेकिन जब उनके पिता को पता चला कि ध्रुव ने क्रिकेट कोचिंग भी शुरू की है तो उन्हें अपने पिता के गुस्से का सामना करना पड़ा। पर बाद में ध्रुव के क्रिकेट प्रति जुनून को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट खेलने की अनुमति दे दी। उन्होंने कुछ रुपए कर्ज पर लेकर ध्रुव को बल्ला भी दिलवाया। हालांकि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनके पिता चाहते थे कि ध्रुव क्रिकेट खेलना बंद कर दे और सरकारी नौकरी पाने पर ध्यान दे, और इसी वजह से उन्होंने ध्रुव को क्रिकेट किट लेने से मना कर दिया था। तब ध्रुव ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर उन्हें क्रिकेट किट नहीं मिली तो वो घर छोड़ देंगे। ऐसे में ध्रुव की माँ ने अपनी सोने की चैन बेचकर ध्रुव को क्रिकेट किट दिलवाया। इसके बाद ध्रुव ने स्प्रिंगडेल क्रिकेट एकेडमी आगरा में कोच परमेंद्र यादव और एस्टर क्रिकेट एकेडमी नोएडा में कोच अभय सिंह से क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। ध्रुव की क्रिकेट में रुचि और टैलेंट देखकर बाद में उनके पिता ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन अंडर 14 में हो गया और फिर अंडर 16 और अंडर 19 स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला। उन्होंने साल 2014 में अंडर 17 स्कूल नेशनल क्रिकेट T20 चैंपियनशिप में 6 मैच खेले, जिनमें 4 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 600 से भी ज्यादा रन बनाए। 2018-19 कूच बिहार ट्रॉफी में उन्होंने 11 मैचों में 762 रन बनाए और 51 कैच भी पकड़े। उन्हें 2020 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया, पर उनकी टीम अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश से हार गई। लेकिन ध्रुव ने अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 एशिया कप जिताया। बात करें ध्रुव के घरेलू क्रिकेट डेब्यू मैचेस की, तो उन्होंने फरवरी 2022 को विदर्भ के खिलाफ प्रथम श्रेणी में, 14 जुलाई 2023 को इंडिया ए के खिलाफ लिस्ट ए में, 10 जनवरी 2021 को पंजाब के खिलाफ T20 में, 5 अप्रैल 2023 को पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL में और हाल ही में 15 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया है। अब बात करते हैं ध्रुव जुरेल के IPL कैरियर के बारे में। फरवरी 2022 में ध्रुव जुरेल को 2022 की IPL की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीदा, लेकिन उस सीजन में उन्हें किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अगले सीजन के लिए भी टीम में बरकरार रखा। ध्रुव जुरेल ने 5 अप्रैल 2023 को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया। उन्होंने बतौर इंपैक्ट प्लेयर डेब्यू किया था। अपने पहले IPL मैच में उन्होंने 15 गेंदों पे 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 32 रन बनाए। उन्होंने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से काफी सुर्खियां बटोरी थी। ध्रुव जुरेल का बचपन भले ही गरीबी में गुजरा हो, लेकिन आज वो करोड़ों रुपए के मालिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ लगभग 7.5 करोड़ रुपए है। उनकी सालाना आय लगभग 1 करोड़ रुपए है। उनकी आय का मुख्य स्रोत IPL और घरेलू क्रिकेट वेतन है। IPL में राजस्थान रॉयल्स से उन्हें 20 लाख रुपए की फीस मिलती है। वह अपने परिवार के साथ मेरठ में स्थित एक सुंदर घर में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है।
दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक लड़का जिसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी क्रिकेट किट खरीदने के लिए उसकी माँ को अपनी सोने की चेन तक बेचनी पड़ी, वो लड़का उस हालातों से लड़कर आज ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहां न केवल वो करोड़ों रुपए का मालिक है पर जिसे बड़े बड़े क्रिकेटर अगला धोनी मान रहे हैं। तो आप भी आज चाहे जिस हालात में हो उसे दोष देना बंद करो, खुद पर इतनी मेहनत करो और उस काबिल बनकर दिखाओ जो आप खुद को बनाना चाहते थे। आपकी कड़ी मेहनत और लगन के आगे बुरे हालात भी एक न एक दिन जरूर हार जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।